कांग्रेस ने देश को सिर्फ भ्रष्टाचार और परिवारवाद दिया है, इसीलिए स्वाभिमानी व्यक्ति का कांग्रेस में बने रहना मुश्किल हो गया है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कमल पटेल ने राजस्थान सरकार में मचे घमासान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि कांग्रेस आत्महत्या की ओर बढ़ रही है और दोष भाजपा पर मढ़ रही है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कमल पटेल ने कहा कि कांग्रेस आत्महत्या की कगार पर है। भ्रष्टाचार और वंशवाद में फंसी कांग्रेस केवल सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के इर्द गिर्द सिमटी है, जिससे स्वाभिमानी नेताओं का कांग्रेस में बने रहना मुश्किल हो गया है। कांग्रेस को केवल जी हजूरी करने वाले नेताओं की जरूरत है, जो नहीं कर सकते वे बाहर जा रहे हैं। कमल पटेल ने कहा कि राजस्थान में जमीनी मेहनत सचिन पायलट ने की, लेकिन सरकार बनाने की बारी आई तो अशोक गहलोत को ले आया गया। सचिन पायलट के लिए काम करने की स्वतंत्रता भी नहीं छोड़ी गई, जिससे असंतोष होना स्वाभाविक था। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि कांग्रेस अपने कर्मों से सिमट रही है और दोष भाजपा पर मढ़ रही है। नहीं, हमारा कोई मिशन नहीं था, ये तो कांग्रेस की आपसी लड़ाई है। चुनाव के पहले सचिन पायलट को कहा कि तुमको मुख्यमंत्री बनाएंगे और सरकार बना दिया गहलोत जी को, और इसलिए कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई है। और कांग्रेस तो ताश के पत्तों की तरह ढहने है। अब कांग्रेस का मध्य प्रदेश में, राजस्थान नहीं, पूरे देश में कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि कांग्रेस का जो कांग्रेस थी वो खत्म हो गई। एक परिवार की कांग्रेस रह गई है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, इन्हीं के इर्द गिर्द घूम रही है, इन्हीं के जो चमचागिरी करते हैं, जो जियाजूरी करते हैं, वही कांग्रेस में। इसलिए जो भी कांग्रेस की स्वाभिमानी है और सारथी है और जो समाज और देश की सेवा करना चाहते हैं, वो लोग अब कांग्रेस में रह नहीं सकते, और इसलिए वो कांग्रेस से बाहर जा रहे हैं। और कांग्रेस खुद अपने आप आत्महत्या कर रही है, क्योंकि उन्होंने कहा कि भले ही वो देश जाए, कहीं पार्टी डूबे तो डूबे, वो पप्पू को ही बना के रहेंगे, पीछे वहीं से चलेगी, तो पप्पू जब तक रहेगा तो कांग्रेस खत्म ही होना है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।